और आपने ये बात भी सुनी होगी सूफिया कराम अकाबिर सूफिया कराम की किताबों के अंदर, ये फरमाने अजीम मिलता है, अल इल्म हिजाबुल अकबर, इल्म हिजाब अकबर है। और ये भी फरमान मिलता है कि अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जबकि इल्म का मतलब ही ये होता है जुहूर में आना, रोशनी में आ जाना, फिर उस इल्म को हिजाब कहा जा रहा है, और फिर सेपरेट उस इल्म को नूर भी कहा जा रहा है। क्या माने, याद रखिए कि जुहूर में तो बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन वो इल्म जो आपको खाली को मालिक तक पहुंचाए, अपने रब तक पहुंचाए, रब ताला तक पहुंचाए, वो इल्म, वो इल्म नूर है। और जो इल्म आपको अपने रब से दूर कर दे, अपने मालिक से दूर कर दे और दुई में और दुनिया में ढकेल दे, वो इल्म वो हिजाब वाला इल्म है, वो इल्म हिजाब है। इल्म हिजाब और इल्म नूर हम जानेंगे कैसे कि ये इल्म, ये इल्म नूर है, ये इल्म इल्म हिजाब है, ये नूर वाला इल्म है, ये हिजाब वाला इल्म है। जाहिर सी बात है कि जो दुनिया में मुलब्बिस करने वाला इल्म है, दुनिया क्या है, तुम्हारा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, चिश्त दुनिया अज खुदा गाफिल गुदन, दुनिया क्या है, सवाल कायम करते हैं और जवाब देते हैं, खुदा से गाफिल होना यही दुनिया है। तो वो इल्म जो आपको दुनिया में मुलबिस कर दे, वो इल्म वो हिजाब वाला इल्म है, वो इल्म हिजाब अकबर है। और वो इल्म जो आपको खुदा तक पहुंचाए, उसके कुर्ब में लाए, उसके जलवे में लेकर आए, उसकी मारिफत अदा करे, वो इल्म नूर वाला इल्म है। सिर्फ इतना ही नहीं, याद रखिए कि अगर आप देखेंगे कि दीन का जो इल्म है, वो इल्म आम तौर पर लोग उसे जो है नूर वाला इल्म कहते हैं, लेकिन याद रखिए दीन का इल्म ऐन उसी हालत में, जबकि वो कुरान हो, जबकि वो हदीस हो, जबकि वो अकाबिरीन औलिया का फरमान ही क्यों ना हो, दुनिया में मुलब्बिस करने वाला इल्म जो है वो तो हिजाब ही है, लेकिन अगर दीन का इल्म भी अगर सही तरीके से ना हो, दीन का इल्म भी अगर आपको, आपने हासिल तो इल्म किया दीन का, लेकिन उसने आपको दुनिया में लगा दिया, तो समझ लो वो दीन का इल्म जो दीन के नाम पे आपने इल्म हासिल किया, वो इल्म भी हिजाब है, वो इल्म भी हिजाब अकबर है, जबकि वो दीन का इल्म है जिसे नूर वाला इल्म कहा जा सकता था। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खुद जो है कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि युदिल बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, यही कुरान है कि भाई जो इसके जरिए हिदायत पाने वाले लोग भी है और गुमराह होने वाले भी लोग हैं, लेकिन गुमराह कौन होते हैं वो समझना पड़ेगा। तो गुमराह वही फासिकीन होते हैं जो कुरान के इल्म के मोड़ तक नहीं पहुंच सके, बल्कि हिजाब में रह गए, जिनसे हिजाब उड़ जाता है और जिनको
नूर मिल जाता है तो वो क्या होता है? तो उसे जिसे इल्म नूर वाला मिले तो फिर उसे जो है कुरान के अंदर हकायक नजर आते हैं, मारिफत नजर आती है, रब से मिलने का रास्ता नजर आता है, अपने रब की मारिफत नजर आती है और वो अपने रब के कुर्ब में पहुंचने के रास्ते देखता है और कुर्ब हासिल करता है। लेकिन अगर वही कुरान ही पढ़ रहा है और अगर इल्म उसका हिजाब बन जाए तो उसे मौला की तलब, मौला की रजा और मौला की मोहब्बत इश्क से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो दुनिया वो मखलूक ही में पड़ा रहता है। कभी तो वो इस दुनिया ही के अंदर मालो दौलत में भी बच्चों में इसी में पड़ा रहेगा, या तो फिर वो उठ करके वो आगे जो है जन्नत के लालच में पड़ा रहेगा। हाँ, अगर रब की रजा हासिल करोगे, अपने रब को राजी करोगे तो न जाने वो इनाम में क्या क्या अता फरमाएगा। असल तो रब की रजा है। रब की रजा के बगैर अगर जन्नत के पीछे भागते हो तो वो जन्नत दो कौड़ी की है, और रब की रजा अगर हासिल हो जाए तो फिर सब कुछ आपके हाथ हो जाए। तो रब की रजा के लिए अगर बढ़ेंगे तो नूर वाला इल्म जो है आपको मयसर हो सकता है। अब वो नूर वाला इल्म की पहचान क्या है? कहते हैं जो भी दीन का इल्म हासिल करता है उसे ही आलिम कहते हैं। आलिम कहते ही उसको है जो दीन का इल्म हासिल करे। अब वो इल्म जिसको आलिम कह रहे हैं वो उसने किया क्या है? उसने हदीस पढ़ी है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने फिका पढ़ी है, यानी इन शॉर्ट कह रहा हूं जो कुछ हुजूर ने फरमाया, जो कुछ हुजूर ने करने कहा, जो कुछ हुजूर ने किया और जो कुछ भी हुजूर के सामने हुआ हुजूर ने मना ना फरमाया, इसी को हदीस कहते हैं। हुजूर ने जो कुरान की एक्सप्लेनेशन की उसी को तफसीर कहते हैं। हुजूर ने जो अहादीस के अंदर इशारा किया, जो अहादीस के अंदर आमाल बताए उसी से फिका तैयार हुई। अच्छा, अगर अहादीस फिका और कुरान के इल्म को हटा दो तो फिर भी कौन आलिम है? कोई आलिम नहीं। तो पता चला आलिम वो है जिसने हुजूर के कहे का इल्म हासिल किया, हुजूर के किए का इल्म हासिल किया, हुजूर के हुक्म का इल्म हासिल किया और हुजूर के सामने को या हुजूर ने सुबूत इख्तियार किया उसका इल्म हासिल किया। तो आलिम वो है, यानी एक नुक्ता यहां ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म है और जो आपको हासिल कर ले वो आलिम है। हुजूर इल्म का समंदर है और जो उस इल्म के समंदर को पी करके सैराब होने वाला है वही आलिम है। तो जिसने जितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए इल्म से पिया है वो उतना सैराब होगा और वो उतना बड़ा आलिम होगा। तो इल्म कौन है? तो दर हकीकत ये समझ लो नबी दो जहां मुस्तफा यानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इल्म है। इल्म हिजाब का रुख दुनिया की तरफ होगा, इल्म हिजाब का रुख पस्ती की तरफ होगा, इल्म हिजाब का रुख बुराई की तरफ होगा, इल्म हिजाब का रुख परेशानियों और गुनाहों की तरफ होगा और इल्म नूर का रुख नेकियों की तरफ होगा। इल्म नूर का रुख आजीज इंकिसारी की तरफ होगा, इल्म नूर का रुख नूर की तरफ होगा, जहां हिजाब का नूर रुख पर्दा और जुल्मत की तरफ होगा वही इल्म नूर का रुख नूर की तरफ होगा। और कुरानी जुबान में आपको अगर जानना है तो नूर क्या है, तो कुरान ने नूर खुद कुरान को कहा है, कुरान ने नूर खुद कुरान को कहा है। अब वो कुरान को आपको समझना है तो कहां जाना होगा? तो फिर कुरान ने नूर मुस्तफा को कहा, कुरान ने नूर खुद खुदा को कहा है। तो पता चला जिस इल्म के जरिए आप कुरान के करीब हो जाओ, जिस इल्म के जरिए आप
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए, जिस इल्म के जरिए आप अल्लाह रसूल के करीब हो जाओ, वो इल्म नूर वाला इल्म है। और जैसे ही आप इन नूर से दूर हो जाएंगे तो आप नूर वाले इल्म की तरफ नहीं बल्कि हिजाब वाले इल्म की तरफ लौट आएंगे। अब लेकिन कुरान का नूर, हुजूर का नूर और अल्लाह का नूर, तीन नूर का जिक्र है, लेकिन ये तीनों नूर एक नूर से मिलेंगे, ये तीनों नूर एक ही नूर से मिलते हैं। यानी कुरान भी अगर आपको मिला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मिला, हुजूर के नूर से मिला, और अल्लाह का नूर भी आपको मिला तो नबी के नूर से मिला। तो यानी इन शॉर्ट एक सीधा साधा जुमला हम ये कहेंगे कि अगर आपको इनमें नूर चाहिए तो आपको हुजूर चाहिए होंगे। जब आप सरापा हुजूर में फरा हो जाएंगे, आप हुजूर की तालीमात को दिल में बसा लेंगे, तो आप जैसे हुजूर का इल्म आपके अंदर आएगा तो आप नूर वाले इल्म की तरफ बढ़ जाएंगे। आपका इल्म वे इल्म नूर वाला इल्म होगा। और जो अहादीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जगह जगह पर इल्म की फजीलत के बारे में, तो जो आ रहा है कि आलिम की आबिद पर वैसी फजीलत है, एक आलिम के एक आबिद पर ऐसी फजीलत है कि जैसी मेरी फजीलत मेरे अगना उम्मती पर। तो ये फजीलत किसके लिए है? ये हिजाब वाले इल्म के लिए नहीं है, ये नूर वाले इल्म के लिए है। ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आलिम को देखना साल भर की इबादत से बेहतर है, साल भर के रोजे और नमाज से बेहतर है। तो ये जो हुजूर का फरमान है ये किस इल्म वाले के लिए है? हिजाब वाले इल्म वाले के लिए नहीं है, नूर वाले इल्म वाले के लिए है। जो इल्म जो अहादीस में आता है, कहा जाता है कि जो इल्म के जरिए जिंदा हुआ वो कभी नहीं मरता, तो वो कौन से इल्म की बात है? वो इसी इल्म जो नूर है उस इल्म की बात है। हिजाब वाले इल्म से कौन जिंदा रहा है? वही इल्म जो है नूर के साथ, जो इल्म नूर वाला है, जो उसके जरिए जिंदा हुआ वो हमेशा के लिए जिंदा हुआ। हुजूर का जो फरमान है कि अल्लाह ने अल्लाह के नजदीक इल्म तलब करने वाला, इल्म तलब करना नमाज रोजा हज या तक के जिहाद की सबीलिल्लाह से अफजल है, ये तो हदीस में आ रहा है। ये किसके लिए है? ये उस इल्म के लिए जो नूर है, ये हिजाब वाले इल्म के लिए नहीं है, बल्कि हिजाब वाले इल्म के लिए तो वही दवाई है, हिजाब वाले इल्म के लिए तो मुसीबतें आई हैं, हिजाब वाले इल्म के लिए तो तंबी की गई है, उनके लिए तो अजाब सुनाया गया है, उनके लिए तो सजाएं सुनाई गई है, कि अगर किसी ने इल्म हासिल किया इसलिए कि वो उलमा पे फखर करे या बेवकूफों से झगड़े या फिर अपनी सुरखरुई चाहे, बड़ाई चाहे, लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहे, तो ऐसा आदमी जो है नार में दाखिल किया जाएगा। और एक हदीस में आता है कि किसी ने इल्म हासिल किया, वो इल्म जो वजहुल्लाह के लिए था, जो अल्लाह की रजा के लिए था, वो इल्म हासिल किया दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया की जो है चीजें हासिल करने के लिए, तो वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगा, रहमत की खुशबू तक भी नहीं पाएगा। तो उसके जो इल्म हिजाब है वो यही इल्म है कि इल्म तो हासिल किया दीन के नाम पर, लेकिन वो इल्म नूर नहीं बना बल्कि तो हिजाब बन गया। ऐसे इल्म हासिल करने वाला तकब्बुर में चला जाएगा, ऐसा इल्म हासिल करना नफसानियत में चला जाएगा, ऐसा इल्म हासिल करना दुनियादारी में चला जाएगा, मालो दौलत के पीछे चले जाएगा, और जो है नूर की शम्मा उसके सीने में नहीं आएगी। और जो इल्म नूर वाला है उसकी तो बात ही अलग है, जो इल्म नूर वाला है अगर वो सीने में आता है तो आजिजी आएगी, वो सीने में आता है तो आपको जो है हुजूर की मारिफत होने लगेगी, हुजूर का इश्क बढ़ेगा। वो इल्म जब आएगा तो हुजूर का अदब बढ़ेगा, अदब वाला बनेंगे। वो नूर वाला इल्म जब आएगा तो आपको मारिफत इलाही होगी। नूर वाला इल्म जब आपके अंदर आएगा तो आप कायनात के जर्रे जर्रे में मौला के जलवे, उसके सिफात के जलवे, असमा के जलवे देखोगे,
अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे कायनात के जर्रे जर्रे में देखेंगे, यहां तक का कि आप उसके जलवों को मुशाहिदा करेंगे। ये किससे होगा? ये इल्म नूर से होगा, क्योंकि ये नूर वाला इल्म कहते ही उसको है जो आपको आपके रब तक पहुंचा दे। जो रब तक ना पहुंचाए वो इल्म दो कौड़ी का इल्म है, वो इल्म दो कौड़ी का इल्म है। याद रखिए कि मेरे सरकार कहते हैं कि जो आदमी जाहिल है वो जो है गुमराही में है, वो राह से भटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता है। और जो इल्मे हिजाब वाला आलिम है वो डबल गुमराही में है, बल्कि कह दीजिए कि 100 गुना गुमराही में है। क्यों? क्योंकि एक तो वो नहीं जानता है और उसके ऊपर से उसको गुमान है कि वो जानता है। यानी जाहिल जो है वो कहीं ना कहीं नहीं जानता, ये बात जानता है। अगर तो वो खुद को जाहिल जान रहा है तो ये बात तो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। वो कभी ना कभी तो जानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो खुद को आलिम कह रहा है और उसके बाद वो समझ रहा है कि मैंने जान लिया, जबकि हकीकत तक उसकी कोई रसाई नहीं हुई है। अल्लाह के नबी के नूर तक कोई रसाई नहीं हुई है, अल्लाह के नूर तक उसकी कोई रसाई नहीं हुई है। तो ऐसा आलिम जो पहुंचा भी नहीं और ये गुमान करे कि मैं पहुंच गया हूं, तो वो ज्यादा भटका हुआ है। सैयदना बायजीद बोस्तानी रहमतुल्लाह ने आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक मैंने मुजाहिदा किया और 30 साल तक मुजाहिदे के तजुर्बे से मुझे पता चला कि इल्म के खतरे से बढ़कर खतरा और कोई नहीं है। इल्म के खतरे से बढ़कर कोई और बड़ा खतरा नहीं है। वो खतरा क्या है? क्योंकि जिसे इल्म हासिल होता है और वो इल्म हासिल करने के बाद ये गुमान कर बैठे कि वो मारिफत इलाही के दर्जे तक पहुंच चुका है, वो जो है हकीकत इलाहिया से जो है तरीका हकीकत मारिफत को जान चुका है, जबकि वो नहीं जानता है और अपनी अटकल पच्चू पे कोई वो हकीकत समझ बैठा है, तो वो डबल गुमराही के अंदर है। जो नहीं जानता है वो सिंगल गुमराही के अंदर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है डबल गुमराही से बचाए और ये हमारे अंदर हमें हमेशा तजस्सुस रहे कि हम जो है कमिल में है और हमें अपने रब की जात व सिफात की मारिफत हासिल करनी है, अपने हबीब पाक साहिब औलाद के तरीके पे जानना है, हुजूर की मोहब्बत में इश्क में फना होना है। क्योंकि हम अगर उसमें नहीं फना होंगे तो नहीं चलेगा। और याद रखो कि इल्मे नूर हासिल करना फर्ज है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साफ फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। तो वो इल्म हिजाब के लिए नहीं है, बल्कि वो हुक्म नूर वाले इल्म के लिए है, वो नूर वाले इल्म के लिए है। तो ये हुक्म है, यानी ये नूर वाला इल्म हासिल करना जो है आपको जरूरी है, नूर वाला इल्म हासिल करना आप पर फर्ज है। और याद रखो जो इल्म अगर नूर वाला नहीं हासिल करता तो क्या होता है? जो है मिश्कात शरीफ की हदीस का एक टुकड़ा पेश कर रहा हूं कि कहा अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक आलिम को जो इल्म सिखाता था, कुरान पढ़ता था, उसको जो अल्लाह की बारगाह में कल बरोज़े कयामत लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूछेगा कि मैंने तुझको ये नेमत अता की थी, बोल दुनिया में तूने जो है मेरे लिए क्या किया? तो वो आलिम कहेगा कि मैंने दुनिया के अंदर इल्म फैलाया, इसको पढ़ाया, इसको किया, ये किया, ये गिनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ये जो भी चीज तूने किया था, जो भी चीज तूने किया था, ये तूने मेरी रजा के लिए नहीं किया था, अपने इल्म को नूर नहीं बनाया था, बल्कि तूने खुद को आलिम कहलवाने के लिए, खुद को कारी कहलवाने के लिए, खुद को जो है बहुत बड़ा आलिम कहलवाने के लिए तूने किया था, और वो तू दुनिया में कहलाया कहला दिया गया। उसके बाद हुक्म होगा और उसको जो है चाहे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यह हदीसे पाक का टुकड़ा है, बताना ये चाहता हूं कि अगर हिजाब वाला इल्म होगा तो ये हाल होगा, और अगर ये हाल नहीं चाहते हैं और इल्म होना बहुत ही जरूरी और फर्ज है, तो कौन सा इल्म हासिल करना होगा? वो नूर वाला इल्म है,
वो अपने रब से करीब होने वाला इल्म है, वो अपने नबी से करीब होने वाला इल्म है। और वो इल्म क्या है, वो किस चीज का इल्म है जो नमाज से अफजल है, वो किस चीज का इल्म है जो कह रहे हैं रोजा नमाज हज जकात यहां तक के जिहाद भी सबीलिल्लाह यानी जान कुर्बान कर देने के लिए अफजल इल्म है, वो इल्म नूर, वो कौन से इल्म की बात चल रही है। तो मैंने बताया ना, अगर इल्म नूर है तो नूर कौन है, नूर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नूर कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। नूर कौन है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब जो नबी बेगम मुस्तफा अलैहि रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अगदस से मिली है, कुरान करीम, ये नूर है। और कुरान करीम किसकी तफसीर है, किसकी तफसीर है, कलमा तैयबा की तफसीर है। तो पता चला इल्म नूर वाला इल्म किसका इल्म है, तो कलमे का इल्म नूर वाला इल्म है। कलमा तैयबा का जो इल्म है वो नूर वाला इल्म है। अगर कलमे तैयबा का इल्म आप हासिल करेंगे, वो दो नूर वाला इल्म हासिल करेंगे, जो दो नूर नहीं हकीकत में तीन नूर रखता है। वो जब आप वो कलमा जो कलम कुरान का कुरान है, कलमा तैयब है क्या, कुरान का कुरान है, कलमा तैयब ही से इंसान का इरफान है, कलमे वालों का ही परचम हश्र तक लहराएगा। तो ये जो कलमा तैयबा है ये नूर का इल्म है। तो जो कलमे वाला इल्म हासिल करेगा वो नूर वाला इल्म हासिल करेगा, और वो नूरानी इल्म वाला हो जाएगा, और फिर नूर में गर्क होने की सलाहियत उसी में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कलमे की तालीम वो नूर की हैसियत से कैसी है, वो अपने मुर्शिदे कामिल से हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और कलमे के नूर में गर्क होकर के सरापा नूरानी और नूर नूर बनने की तौफीक अता फरमाए।